Press the bell icon on your YouTube app and get the yummy updates on your mobile. हेलो एंड वेलकम टू आर जी पायल्स किचन। आज हम बनाएंगे दाना मेथी की सब्जी, जो खाने में स्वादिष्ट तो होती है लेकिन कई बीमारियों को भी खत्म कर देती है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, डैंड्रफ। ये सब्जी अकेले ही आपकी पूरी फैमिली को हेल्दी रखती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए लेंगे 100 ग्राम मेथी दाना। इन्हें हमने रात भर भिगो लिया था, उसके बाद एक सीटी लगा के इसे उबाल लिया है और पानी को अलग कर दिया है। साथ ही हम लेंगे 5 से 6 छुआरे, इन्हें लंबा लंबा काट लेंगे। 15 से 20 किशमिश लेंगे, 1 कप गुड़, इन्हें छोटा छोटा काट लेंगे, 3 से 4 चम्मच तेल, 1 कप पानी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले पैन में तेल लेंगे, तेल गर्म होने पर डालेंगे छुआरे, किशमिश, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इन्हें ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद डालेंगे गुड़ और गुड़ के पिघलने तक हम इन्हें दोबारा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसे तब तक पकाएंगे जब तक पानी थोड़ा सा गाढ़ा या शहद जैसी इसकी कंसिस्टेंसी ना हो जाए। जैसे ही पानी गाढ़ा होगा हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और अब कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक ये सब्जी थोड़ी सी थिक ना हो जाए। लीजिए, पानी काफी हद तक सूख गया है और सब्जी एकदम तैयार हो गई है। इसे आप रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं और फ्रिज में रखकर इसे 1 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें।